अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको रोज़े नसीब फरमाए, इबादतें नसीब फरमाए और मेरे लिए भी आप सब लोग दुआ कीजिएगा। उसके बाद ये वाला ड्रेस मैंने डिज़ाइन किया था। सबसे पहले मैंने कहा आपको मैं इसके ट्राउज़र्स की डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। इसके ट्राउज़र्स पर ना मैंने कटवर्क, ट्राइंगुलर जो कटवर्क होते हैं ना वो बनाए हैं, और जो शर्ट का फैब्रिक है ना वो ऊपर की तरफ पेस्ट कर दिया है। मतलब इसको ऊपर से जो है मैंने बिल्कुल खुला रखा है और इलास्टिक डाल दिया है, और ट्राउज़र्स के पांचे के ऊपर मैंने इस तरह से पहले जो है जो ऊपर मैंने शर्ट का फैब्रिक इसके ऊपर पेस्ट किया है ना उसी के ऊपर ही ट्राइंगुलर जो है वो बुकरम के ऊपर कटिंग करके उस शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर मैंने चिपका दिया। फिर जो है इसके मतलब ऊपर वाली साइड पर ही इसको मैंने लगा दिया वो कपड़ा। ठीक हो गया जी, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और ये मेरे पास इसके साथ शर्ट है, इसको आज थोड़ा सा हम ज़्यादा ही डिटेल के साथ जो है वो सीखेंगे। यहाँ पर इसका राउंड शेप में नेक रेडी किया है, और नीचे जो है ये बॉर्डर की पट्टी दी हुई थी जिसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है ऊपर बिल्कुल सेंटर में। ये देखें, ये जो है मैंने जस्ट इसको ऊपर रख के सिलाई कर दी है। इसके अंदर मैंने बुकरम मतलब फिट कर दी थी, फिक्स कर दी थी इस पट्टी के अंदर, और फिर इस तरह से जो है मैंने इसको रख कर ऊपर सिलाई लगा दी है। और फिर बटन्स, चार बटन्स मैंने इसमें लगा दिए है। दामन जो है फ्रंट बैक दामन पर मैंने ट्राउज़र्स का कपड़ा पलटे के तौर पर लगा दिया है। और यहाँ पर ये इसके चाक देख लें, ऊपर वाले जो हमने बॉर्डर की पट्टी लगाई हुई है जो आर्म होल से नीचे यहाँ से स्टार्ट हो रही है फिर नीचे दामन तक जा रही है, ये देखें फ्रंट साइड पर ये पट्टी हमने लगाई है दोनों मतलब साइड्स पर इस तरह से। ये देख लें, ये बिल्कुल कुर्ती स्ट्रेट है, तो इसी तरह से ये वाली बहुत प्यारी लगती है जब हम बॉर्डर की पट्टी साइड पर लगा देते हैं। स्लीव्स इसकी बिल्कुल सिंपल है। आगे हमने ट्राउज़र्स की पट्टी लगा दी है जो कि तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी है, और दो पिनटेक्स डाल दिए हैं। बैक साइड इसका बिल्कुल सिंपल रहेगा, ये देख लें। और बैक साइड पर जो है बॉर्डर की पट्टी हमने नहीं लगाई है जो हमने फ्रंट पर लगाई है, लेकिन बैक साइड का जो फैब्रिक है शर्ट का उसको ही हम अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर दिया है इस तरह से। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ यहाँ पर बताना चाहती हूँ। कुछ मेरी सिस्टर्स जो न्यू सीखने वाली है उनको शायद ये समझ ना आए। मैंने कल भी वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी इस तरह का ड्रेस जो है वो दिखाया था, तो मैंने कहा उसको मैं थोड़ा सा करके दिखाती हूँ ताकि मेरी वो सिस्टर्स जो अभी अभी मतलब अपने ड्रेस स्टिच कर रही है या फिर जो सीखना चाहती है ये वाला डिज़ाइन अपने ईद के लिए जो है मतलब ईद के ड्रेस के ऊपर इस तरह का डिज़ाइन बना सके। तो सबसे पहले ये हमने कुर्ती ली है, ये देखें कुर्ती को हमने ऊपर मतलब नेक फ्रंट और बैक नेक इसका बिल्कुल तैयार कर दिया है। अब इसकी साइड फिटिंग रहती है, तो यहाँ पर ये देख लें हमने दामन का नाप ले लेना है इस तरह से। जितना हमने दामन रखना है उस हिसाब से आप लोगों ने निशान लगा देना है, और कमर जो है वो भी उस हिसाब से आप लोग कमर के हिसाब से निशान लगा लें। इसको ना स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा फिटिंग जिस तरह से देते हैं कमर की वो शेप ना दें, क्योंकि अगर वो शेप देंगे ना तो फिर ये जो पट्टी हम लगाते हैं साइड की वो फिर इतना अच्छे से नीट तरीके के साथ नहीं लग पाएगी, थोड़ा सा उसमें बल वगैरह आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कमर के निशान लगा देने हैं सबसे पहले, और दामन के निशान भी इसी तरीके के साथ ही हम लगा देंगे। और फिर दामन पर जो है हमने दोनों साइड पर जितना कपड़ा हमने स्टिचिंग के लिए यूज़ करना है वहाँ पर हमने कट लगा दिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो 18 इंच टोटल लिया था, यानी 2 इंच मैंने स्टिचिंग के लिए लिए थे, 16 इंच हमारा दामन तैयार चाहिए हमें, तो एक एक इंच हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखें इस तरह से हमने ये फ्रंट और बैक को साथ ही रखा हुआ है, आप लोगों ने भी इसी तरह से ही करना है ताकि हमारा फ्रंट बैक कम ज़्यादा ना हो, इक्वल ही हो। तो दूसरी साइड पर भी हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को ये देखें इस तरह से यूं फोल्ड करके इसके ऊपर इस्त्री कर देंगे ताकि ये हमारी क्रीज लाइन अच्छे से निकल आए और हमें पता चले कि यहाँ तक ही सिलाई लगनी है। ठीक हो गया जी, इसी तरह से ही होता है। बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और ये डिज़ाइन बना सके। बैक साइड का जो है वो हम सिंपली फोल्ड कर देंगे दामन चाक, लेकिन फ्रंट पार्ट पर हम ये पट्टी लगाएंगे बॉर्डर की पट्टी। तो हमने ये इस तरह से फ्रंट को अलहदा मतलब अलग से यूँ बिछा देना है जैसे हमने इसको बिछाया है, और फिर हम इस ये वाली जो क्रीज लाइन बनी हुई है फ्रंट साइड के ऊपर, ये देखें आप लोगों को नज़र आ रही है जो हमने इस्त्री की मदद से ये क्रीज लाइन बनाई है, इसी क्रीज लाइन के ऊपर ही ये पट्टी हम रखेंगे इस तरह से, और फिर किनारे किनारे के ऊपर इसके सीधे बिल्कुल सिलाई लगा देंगे। और दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से ही क्रीज लाइन के ऊपर ही ये बॉर्डर पट्टी इस तरह से रखेंगे। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट हमारी कटिंग है कुर्ती की, और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर ही सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है इसके ऊपर, बिल्कुल एक साइड पर अभी हमने सिलाई लगानी है।
तो ये देख लें, इस तरह से हमारी जो बॉर्डर पट्टी है वो इस पूरी लाइन पर ही अटैच हो चुकी है। दोनों साइड पर हमने ये लगा दी है और बिल्कुल उसी क्रीज लाइन के ऊपर ही लगाई है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की तरफ, उसको हम आधा कटिंग कर देंगे और आधा छोड़ेंगे, यानी आधा इंच छोड़ते हुए बाकी जो आधा इंच है वो हम कटिंग कर देंगे, ताकि जो बहुत ज़्यादा कपड़ा रहेगा ना तो फिर उसमें नीटनेस नहीं आएगी, इसलिए जो है हम थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से ही हम इसको कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे। ये देखें, हमने दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी था ना उसको हमने कटिंग कर दिया है। अब हम इस तरह से इसको पलटेंगे सीधी साइड पर। ये देखें, हमने ये उल्टी तरफ इसको पहले सिलाई लगाई है। आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि पहले हमने इसको उल्टा रखा हुआ था, उसके ऊपर हमने सिलाई लगाई थी। अब हमने इसको सीधी तरफ पलटा है और अब हम इसको यूँ इस तरह से इस्त्री करके अगेन इसको अच्छे से बिठा करके इसके ऊपर दोबारा से जो है दूसरी साइड पर यूँ सिलाई लगा देंगे। तो ये देख लें, इस तरह से इस सिलाई को हमने कंप्लीट कर दिया है। बहुत नीट तरीके के साथ हमारी सिलाई लगी हुई है। ये देखें, दोनों साइड से हमने सिलाई लगा दी है और बहुत अच्छे तरीके के साथ हमारी ये पट्टी लग चुकी है। अब हमने इसको साइड में किस तरह से अटैच करना है फ्रंट और बैक को, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से आप लोगों ने कोई स्लट पट्टी नहीं लगानी, इस तरह से हम इसको रखेंगे। तो हमने सबसे पहले ये बैक साइड इस तरह से रखना है और ये फ्रंट साइड जो है बैक साइड के ऊपर यूँ रखेंगे। ये जो क्रीज लाइन हमने फ्रंट और बैक के ऊपर दोनों के ऊपर बनाई थी, उसी बैक वाली क्रीज लाइन के ऊपर इसको हमने रखना है फ्रंट पार्ट को, यूँ इस तरह से। ये देखें, और अब किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा देंगे। जितने तक आप लोगों को चाक बंद चाहिए उस हिसाब से उतने तक हम सिलाई लगा देंगे। तो ये मैं आपको मशीन के ऊपर ही करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये हमने निशान लगाया हुआ था सिलाई का, साइड वाली फिटिंग वाली सिलाई का, तो इसी निशान के हिसाब से ही आप लोगों ने सिलाई लगानी है। अगर अंदर की तरफ कर देंगे तो आर्म होल जो है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन ये क्रीज लाइन भी हमने बनाई हुई है ये इसी निशान के बिल्कुल बराबर ही है। ये क्रीज लाइन मैंने आपकी आसानी के लिए ही बनाई है ताकि आपको समझ जाए, और जब आप लोग ये ड्रेस सिलाई करने लगेंगे ना तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये क्रीज लाइन जो है बस ये हमारे फिटिंग की निशानी है, यहाँ तक ही हमने जो है वो सिलाई लगानी है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ तक, ये देखें, सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल इसके ऊपर ही रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। ये देखें, ये हमारे फिटिंग की निशानी लगी हुई है, क्रीज लाइन हमने बनाई ही इस वजह से थी ताकि अच्छे से आपको समझ भी आए और हमें भी पता चले कि हमारी जो फिटिंग है वो कितने तक रखनी है। ठीक हो गया जी, यहाँ पर ये चाक का निशान है जहाँ तक हमने थोड़ा सा इसको सिलाई को मोड़ दिया है, जो हमारी सिलाई पक्की हो जाए इस वजह से। तो यहाँ पर हम इसको धागे को कटिंग कर देंगे। एक साइड से हमने जो है इसको बंद कर दिया है, ये देखें। इसी तरीके के साथ हम दूसरी साइड को भी बंद कर देंगे, लेकिन कुछ मेरी बहनें सोचेगी कि एक साइड बंद हो गया है तो दूसरा साइड जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा उनको बंद करना, कैसे बंद होगा वो ये सोचेगी, तो इसलिए जो है मैं उनको दूसरी साइड पर भी बंद करके दिखाती हूँ ताकि उसको ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। तो आप लोगों ने इस तरह से इसको रखना है कपड़े को, ये देख लें जिस तरह से मैंने रखा है। उसके बाद बस आप लोगों ने वैसे ही सिलाई लगाते जानी है जैसे हमने पहले वाला जो साइड की सिलाई है वो लगाई है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग में सिलाई को पक्का कर दें, उसके बाद जो है बस ये क्रीज लाइन बनी हुई है ना, ये तो इसी के ऊपर ही यूँ बॉर्डर पट्टी को यूँ इस तरह से, ये देखें, रखते हुए फ्रंट पार्ट को, यानी आप लोग जो है वो सिलाई लगाते जाएं। चाक का निशान आप लोग अपने हिसाब से रखें, मैंने 12 इंच तक जो है वो निशान लगाया था चाक का, क्योंकि ये छोटी बच्ची का ड्रेस है तो इस हिसाब से मैंने 12 इंच तक रखा था। नॉर्मली जो है वो 13 इंच ही रहता है बड़ों का। तो अगेन हम थोड़ा सा इस सिलाई को मोड़ देंगे ताकि ये हमारी सिलाई पक्की हो जाए, मतलब दोबारा हम सिलाई लगा देते हैं दो सिलाइयाँ। ठीक हो गया जी, हमारे साइड की सिलाई जो है वो लग चुकी है। ये देखें, साइड हमारे जो है वो बंद हो चुके हैं अच्छे तरीके के साथ। अब हम बैक साइड को किस तरह से रेडी करेंगे, बैक साइड के लिए हमारे पास बॉर्डर नहीं है, बचा भी नहीं है, लेकिन हम इसके बैक साइड के ऊपर बॉर्डर वगैरह लगाना भी नहीं चाहते। बैक साइड को हम किस तरह से रेडी करेंगे वो भी मैं आपके सामने ही करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमने बैक को रखना है, ये देखें, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको हम यूँ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा फोल्ड करते हुए फिर हम इसको सिलाई लगा देंगे, थोड़ा सा चौड़े वाला हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके के साथ। तो बहुत नीट तरीके के साथ ये सिलाई लग जाती है और बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है ये हमारे
साइड वाली जो पट्टी हम अटैच करते हैं नीट तरीके के साथ लग जाती है। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक बार अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बैक साइड को हमने यूँ दे या देख लें सिलाई लगा दी है। अब हम दूसरी साइड पर भी बिल्कुल इसी तरीके के साथ ही सिलाई लगा देंगे। ये देखें दूसरी साइड पर हम ऊपर से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये देख लें इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। पहले वाली सिलाई हमने नीचे से स्टार्ट की थी और दूसरे चाक के ऊपर हमने ऊपर से सिलाई को स्टार्ट किया है। थोड़ा सा मैंने क्लोज कर दिया है कैमरे को ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। थोड़ा सा चौड़ाई में मैंने इस सिलाई को लगाना है, मतलब जो ये हमने फोल्ड करनी है वो थोड़ा सा चौड़े साइज़ में मैंने इसको फोल्ड किया है। जो हमने फ्रंट साइड पर बॉर्डर लगाया है ना उसी हिसाब से ही हमने उतनी ही विड्थ में इसको फोल्ड किया है ताकि ये अच्छा लुक दे। तो ये देख लें बिल्कुल बराबर हमारे जो है वो फ्रंट और बैक रेडी हुए हैं इस तरह से। ये देख लें इसका बेसिक तरीका रेडी करने का यही है कि आप लोग जब भी इसको रेडी करने लगे ना तो फ्रंट बैक को साथ रखते हुए बस फिटिंग पर क्रीज लाइन बना दें और फिर जो है इसको रेडी कर लें। जिस तरह से जितना चौड़ा बॉर्डर इसके ऊपर लगाना चाहें लगा सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके के साथ, नीट तरीके के साथ और बिल्कुल फ्रंट बैक इक्वल रेडी होगा। उसके बाद जो है आप लोग दामन पर जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। और ये देखें अगेन मैं आपको ये ड्रेस दिखाना चाहूँगी। इसी तरह से ही मैंने इसको रेडी किया था और दामन पर बस इसको मैंने सिंपली फोल्ड कर दिया था। और ये देखें कहीं से भी हमारा जो ये चाक दामन है वो कम ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल फिटिंग अच्छे तरीके के साथ इसकी आई है। आप लोग भी इसी तरीके के साथ रेडी करें, बहुत अच्छे तरीके के साथ रेडी होगा और कहीं से भी आप लोगों की जो फिटिंग है कम ज़्यादा नहीं होगी। फ्रंट और बैक बिल्कुल इक्वल रेडी होगा। बस आप लोगों ने साथ रखते हुए दोनों साइड को मतलब फिर क्रीज लाइन बना देनी है और उसी पर ही सिलाई लगानी है। जो भी डिज़ाइनिंग करनी है उसी पर ही करनी है। ठीक हो गया जी। तो फिर हमने पूरे ड्रेस को कंप्लीट कर दिया था। स्लीव्स जो है हमने लास्ट में इसमें अटैच की थी। अगर मेरी कुछ बहनें जो है वो लास्ट में स्लीव्स अटैच करना नहीं जानती तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, वो वहाँ पर देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।